सिर्फ 3 दिन। उसके बाद 23 जून को सोनाक्षी अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। भले ही पूरा परिवार इस शादी से खुश ना हो, लेकिन सोनाक्षी को फर्क नहीं पड़ता। पहले पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, आजकल के बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और सोनाक्षी तो मेरी लाडली बेटी है, वो जो भी फैसला लेगी मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। और अब उनकी माँ ने बेटी सोनाक्षी को अनफॉलो ही कर दिया। भाइयों ने भी सोनाक्षी को अपने दिल से निकाल लिया। सोनाक्षी सिन्हा जाहिर के 4 दिन पहले ही आई इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया। पूनम सिन्हा और सिन्हा ने हीरा मंडी एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वो पहले सोनाक्षी को फॉलो करते थे या नहीं इस समय उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में नहीं है। जिसमें फैंस सोच रहे क्या सोनाक्षी उनके परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक यूजर ने कॉमेंट किया, ऐसा लगता है माँ और भाई इस शादी से खुश नहीं है। क्या ये वही भाई है जिसने उनकी शादी के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा, अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये बहुत ही दुखद बात है। मुझे उम्मीद थी कि सोनाक्षी उनके बॉयफ्रेंड की शादी लंबी और खुशहाल रहेगी, लेकिन जब उनका परिवार ही उनके साथ नहीं है तो कैसे ये लोग खुश रह सकते हैं। ये चर्चा तो पहले से ही हो रही थी कि अपनी इकलौती बेटी की शादी से पापा शत्रुघ्न सिन्हा अपसेट है और अब ये बात क्लियर होती दिखाई दे रही है। शादी के 4 दिन पहले सिन्हा परिवार में महाक्लेश हुआ। सोनाक्षी सिन्हा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिसकी वो जिक्र का टुकड़ा है उन्हीं का सीना छलनी कर देंगी। जी हाँ, मुस्लिम हीरो जाहिर इकबाल से शादी करने पर सोनाक्षी अपने परिवार से दूर हो गई, अपने माता पिता से दूर हो गई, अलग हो गई। वो माता पिता जिनके लिए सोनाक्षी जिगर का टुकड़ा हुआ करती थी। सोनाक्षी की शादी की रस्में आज से शुरू हो चुकी हैं। हर लड़की का सपना होता है कि जहां वो अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखी, उसी घर से उसकी डोली उठे, उसी घर में उसकी शादी की रस्में हो। लेकिन सोनाक्षी का ये सपना टूट गया है। शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम और उनका पूरा परिवार रामायण बंगले में रहता है। इसी बंगले से शत्रु अपनी बेटी को विदा करना चाहते थे, लेकिन शादी के कुछ टाइम पहले परिवार में ऐसा कलेश हुआ कि सोनाक्षी को उनके ही घर से निकाल दिया गया। सोनाक्षी की शादी से नाखुश परिवार अब शादी में शामिल होना ही नहीं चाहता है और सोनाक्षी को कहीं अलग होटल में अपनी शादी निपटानी पड़ रही है। जहां माँ और भाइयों ने सोनाक्षी को अनफॉलो कर दिया, तो वहीं पिता शत्रु बस अपनी इज्जत बचाने के लिए सोनाक्षी के फेवर में उन्हें आशीर्वाद देने की बात कह रहे हैं, लेकिन दिल से मन से वो भी खुश नहीं है। ऐसे सोनाक्षी की शादी बहुत आम और बिना शोर शराबे के होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, सेलिब्रिटीज अपनी शादी कितनी आलीशान करते हैं, लेकिन सोनाक्षी परिवार और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में ये शादी बस निपटा रही है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरों के बीच उनका परिवार भी चर्चा में आ गया। जितना लोग एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहते उतना ही लोग उनकी मां के लिए भी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। क्या आपको पता है, सोनाक्षी की मां एक्ट्रेस होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी रही हैं। उन्होंने कमबैक ऋतिक की मां का रोल निभाकर किया था। सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा फिलहाल तो राजनीति में एक्टिव है और 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव में लखनऊ से अपना नामांकन भरा था। लेकिन अगर उनके शुरुआती करियर की बात करें तो पूनम ने तब करियर में कोमल नाम से अपना हाथ अजमाया था। हालांकि उन्होंने कुछ ही फिल्में की थी। पूनम ने 1968 में मिस यंग इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद बॉलीवुड चली आई और जिगर दोस्त फिल्म से डेब्यू किया था। पूनम ने जिगरी दोस्त में जितेंद्र, आदमी और इंसान में धर्मेंद्र, चंदन में सुनील दत्त, इश्क इश्क में देवानंद के साथ काम किया है। एक्ट्रेस ने पति शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म सबक में रोमांस फरमाया था। सोनाक्षी की शादी की रस्में उनके ही घर में नहीं हो रही हैं। माँ और भाई ने सोनाक्षी को न केवल घर और दिल से निकाला बल्कि अनफॉलो कर सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर दिया कि वो इस शादी से खुश नहीं है। और अब फैंस कयास लगा रहे हैं, क्या सोनाक्षी जिस शख्स के लिए अपने माता पिता के खिलाफ होकर शादी कर रही है, वो शख्स सोनाक्षी की कदर कर पाएगा, वो सोनाक्षी के सपनों को पूरा कर पाएगा? आखिर जाहिर इकबाल कौन है जिनके लिए सोनाक्षी अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर शादी कर रही है? इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी हैं कि सोनाक्षी इकबाल से शादी कर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगी। वैसे इकबाल का करियर तो इंडस्ट्री में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। सोनाक्षी को जो कुछ पहचान मिली वो अपने पिता शत्रु से और सलमान खान के संग डेब्यू फिल्म दबंग से। उसके बाद सोनाक्षी सालों बाद हीरा मंडी से लाइमलाइट में आई। ऐसे में सोनाक्षी का भी फिल्मी करियर बिल्कुल खत्म होता दिखाई दे रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री को अगर अलविदा कह देंगी तो सोनाक्षी क्या अपनी माँ की तरह राजनीति ज्वाइन कर लेंगी? खबरें ऐसी भी हैं कि इकबाल के रंग में रंगी सोनाक्षी इकबाल की ही बात सुनेंगी। अगर इकबाल इंडस्ट्री को अलविदा कहने को बोलेंगे तो सोनाक्षी वो भी करेंगी।